Hello guys, welcome back to my channel. My name is Ashish Jaiswal and I hope you all are doing great. अगर आपको नहीं पता हो तो मैं travel and lifestyle vlogs बनाता हूँ और इस वीडियो में मैं कहीं travel नहीं करने वाला हूँ basically. इस वीडियो में मैं help करने वाला हूँ कि how you can plan your Ladakh trip very well. And thank you so much आप लोगों ने मेरे Ladakh series को इतना praise किया और इतना support किया और आपको अच्छा लगा और जो भी इस सीरीज को नहीं देखा है तो मैं इस सीरीज के प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू सेंड यू ह्यूज थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज अभी हम लोग 1K फैमिली हो चुके हैं यूट्यूब में एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड कीप सपोर्टिंग द वे यू आर. मैंने इस वीडियो को 11 टॉपिक पे डिवाइड किया है एंड ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को स्किप करके देखो क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस कर दोगे एंड आई डोंट वांट यू टू मिस एनीथिंग बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर लद्दाख ट्रिप. सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे यूट्यूब के कमेंट्स में जहां पे मैंने सब क्वेश्चंस का रिप्लाई किया. फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और ये वीडियो में मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा और जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपको बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो मेरा पहला टॉपिक है बाइक और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सा बाइक यूज करना चाहिए, मैं कौन सा बाइक लेके जाऊं, मेरे पास 150 सीसी की बाइक है एंड आरई बाइक्स है. तो देखो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाइक्स कोई भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, कोई कैप नहीं है कि आपको एक पावरफुल बाइक लेके जाना है. तो मैं खुद अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मेरे पास 200 NS था 2017 मॉडल का जो अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं वो लेके गया था एंड इट वॉज वेरी नाइस एंड स्मूथ ऑल द वे टू लद्दाख. और मैं उसी बाइक पर राइड करके मैं बैंगलोर आया हूँ. तो इट वॉज फन राइडिंग ऑन दैट बाइक. थोड़ा पावर की कमी हो रही थी हाईवे में जब मैं क्रूज करना चाह रहा था, तो मैंने मैक्सिमम 110-120 के स्पीड में क्रूज किया था टू कीप एवरीथिंग यू नो सेफ. उससे ज्यादा मैंने पुश नहीं किया बाइक को. एंड ऑल्सो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत अच्छे से गई बाइक. बस एक प्रॉब्लम था मेरे बाइक में व्हेन आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग हाई इन कश्मीर. और उसके बाद मैं जब जोजिला क्रॉस कर रहा था, जब मैं ऑल्टीट्यूड गेन कर रहा था, उस समय थोड़ा मुझे बाइक में पावर कमी हुआ एंड वेयर आई वाज अनेबल टू यू नो पुल माय बाइक प्रॉपरली. फिर मैं जैसे तैसे मैं ले पहुंचा एंड ले में मैं सोचा कि चलो जाके बाइक चेक करवाता हूँ. उस समय सर्विस का भी टाइम हो गया था तो आई थॉट कि मैं दिखाता हूँ तो क्यों. तो जब मैं वहां पे पहुंचा लेके एक गराज में, तो उसने कहा कि आपका बाइक में कार्बोरेटर है. कार्बोरेटर में क्या होता है, ऑल्टीट्यूड में वेयर आपके बाइक में बहुत सारे एयर फ्लो होना चाहिए और उस समय नहीं होता है बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड बहुत सारे पेट्रोल उस समय सप्लाई हो रहा था बाइक के इंजन में. तो इसके वजह से ऑक्सीजन कम होने की वजह से माई बाइक वॉज नॉट पुलिंग दैट वेल. तो उसने क्या किया, कुछ उसने मॉडिफिकेशन किया एज इन लाइक यू नो वो उसने एक पिन डाल दिया कार्बोरेटर जेट फ्यूल में कि आपका जो पेट्रोल का जो फ्लो रहता है वो थोड़ा कम हो जाए एंड ऑक्सीजन ज्यादा बाइक को मिले सो दैट इट कैन पुल प्रॉपरली. तो वो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया जो मुझे 2 घंटे की समय मुझे लगा एंड देन उसके बाद बाइक बहुत जबरदस्त आपको पुल कर रहा था. मैंने खाडुंगला किया, इट वाज अमेजिंग, बहुत स्मूथ गया. देन वहां से मैं नुमरा गया, वहां से मैं पेंगोंग गया एंड देन बैक टू ले. इट वाज अमेजिंग, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ बाइक में. जब मैं वापस दिल्ली आया तो फिर वापस जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया था ले में वो मैंने चेंज किया. वो उसका जो पिन जो डाल रखा था जेट पंप में कार्बोरेटर में, मैंने वो निकाल दिया एंड देन एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ. सो बस एक प्रॉब्लम रहता है कि इफ़ यू हैव अ कार्बोरेटर बाइक तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा आपको पुल करने में. अदरवाइज अगर आपके पास FI बाइक्स है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप जा सकते हो. तो आपको अगर कार्बोरेटर वाला बाइक लेके जाना है देन आई विल सजेस्ट यू टू गेट दैट मॉडिफिकेशन डन इन ले. और ले में एक ही गराज है जहाँ पे वो काम होता है बिकॉज सारे जगह पे वहाँ पे आरई के मॉडिफिकेशन होते हैं. तो बजाज का जो और कोई भी अदर ब्रांड्स का जो आपका बाइक है जिसमें कार्बोरेटर है उसमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करवाना है जहाँ पे आपको पावर और ज़्यादा चाहिए तो आपको SNM हॉस्पिटल है वहाँ पे ले में. तो SNM हॉस्पिटल के पास में आप कहीं पे भी पूछोगे कि बाइक गराज कहाँ पे है तो वो एक ही गराज है, दे विल गाइड यू एंड यू कैन गो एंड हैव दैट मॉडिफिकेशन डन. और उस मॉडिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने कोई प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं की है. तो आप भी करा सकते हो अगर आपको पावर में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो. एंड अदरवाइज देयर इज नो इश्यूज, आप कोई बाइक ले सकते हो. अगर मैं बस एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मेक श्योर दैट यू नो यू हैव एटलीस्ट 200 CC बाइक. तो क्या रहेगा कि आप क्रूज भी अच्छे से कर सकते हो हाईवे में, आपको ज्यादा स्टॉप नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाइक में रेडिएटर था
तो ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं. आई वॉज राइडिंग 150 किलोमीटर्स इन अ स्ट्रेच एंड देन थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लेता था. तो कम सी सी बाइक्स में क्या हो जाते हैं कि वेन यू आर टेकिंग लेस सी सी बाइक तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने बाइक में, तो ज्यादा स्टॉप्स रहेंगे, आपका ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 200 सीसी के ऊपर कोई सा भी बाइक ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. और मेक श्योर करना कि बाइक में आपका जितने भी सर्विसिंग वगैरह और जितने भी चेक्स वगैरह होते हैं वो सारे कर लेना, सो दैट कि आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो व्हेन यू स्टार्ट योर राइड. और रही बात पेट्रोल की, मैं बता देता हूँ, मैंने सारा लिख कर रखा हुआ है यहाँ पे, एक लंबा सा लिस्ट बना रखा है. तो मुझे माइलेज मिला 30 का एवरेज मिला है, जो ओवरऑल मैं बता सकता हूँ फ्रॉम बैंगलोर लद्दाख बैंगलोर. और जो मैंने पेट्रोल मैंने यूज़ किया वो 17,000 अप्रॉक्सीमेटली का मैंने पेट्रोल यूज़ किया है, और ऑलमोस्ट 7,500-8,000 किलोमीटर्स के लिए, विच वॉज गुड. आई 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 डोंट फील दैट यू नो कि मैंने ज़्यादा पेट्रोल में पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं. तो अभी आ जाती है बात सेकेंड टॉपिक की. तो सेकेंड टॉपिक रहेगा गेयर्स. तो गेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप हाईवे में चला रहे हो बाइक एंड लद्दाख जा रहे हो, बिकॉज गेयर्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको पैसे थोड़े ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, जिस तरह से मैं अपने राइड पे एक्सपीरियंस किया हूँ. बिकॉज आप बाकी सब जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट गेयर्स में मत करना. सो बेसिक गेयर्स में क्या क्या है, आपको नी एंड एल्बो गार्ड बहुत ज़रूरी है, हेलमेट बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि रास्ते में आप जब रहोगे तो कुछ भी हो सकता है. तो हेलमेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नो व्हेन यू आर राइडिंग. मैंने बूट्स नहीं लिया था, मैंने एक नॉर्मल सा मैंने शू लिया था अमेजोन से, वो मतलब आर्मी टाइप के बूट जो होते हैं लंबे वाले, मैंने वो लिया था. और उसके वजह से थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ हुई जब मैं रिवर क्रॉसिंग कर रहा था, तो मेरे बूट्स जो पानी में जाते थे, एंड देन आई यूज टू बी लाइक, अगर आपने मेरे वीडियोज देखे तो आपको पता रहेगा कि मैं कैसे जूते खोल के मैं पानी निकालता था उसमें. तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी यू नो प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा वहाँ पे कि आई शुड हैव यू नो गॉट बूट्स, प्रॉपर राइडिंग बूट्स. अगर आपके पास राइडिंग बूट्स के पैसे अगर नहीं है और आप बजट पे जा रहे हो, तो आई थिंक आप कुछ लंबे बूट्स ले लेना और उसके साथ कम बूट्स ले लेना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रेनकोट बहुत ज़रूरी है. रेनकोट अगर आप कहीं से भी इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, कहीं से भी हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जून जुलाई के टाइम पे, देन आई एम टेलिंग यू रेनकोट बहुत ज़रूरी है. तो कीप अ गुड क्वालिटी रेनकोट विथ यू. हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और बूट्स के बाद आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका राइडिंग जैकेट. सो राइडिंग जैकेट पे इन्वेस्ट करना. राइडिंग जैकेट आपको 4,000 से 5,000 से स्टार्ट हो जाता है. सो राइडिंग जैकेट लेने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको एल्बो गार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ आर्मर्स आते हैं, वो सही रहते हैं. मैंने जो राइडिंग जैकेट यूज़ किया था उसका नाम है राइनॉक्स का स्ट्रॉम ईवो L2, जो मैंने ऑलमोस्ट 10,000 में खरीदा था उस समय, जब ये उस समय रिसेंटली लॉन्च हुआ था. इट्स अ वेरी गुड जैकेट जो मैंने यूज़ किया, अभी भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है. एंड ग्लव्स जो मैंने यूज़ किया था वो था राइनॉक्स का शील्ड प्रो, वो भी बहुत अच्छा मैश ग्लव्स है. तो मैं कहूँगा कि ग्लव्स के मामले में आपको तो एक मैश ग्लव्स चाहिए व्हेन यू आर राइडिंग इन द हाईवे एंड वेयर द टेम्परेचर इज 28, 30, 35 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद जब आप पहाड़ में जाते हो, तो मैं एक्चुअली 2-3 ग्लव्स डिफरेंट टाइप्स के कैरी किया था. तो जो मैं एक्सट्रीम विंटर के लिए मैंने -20 डिग्री ग्लव्स कैरी किया था, मैंने डिकैथलॉन से थर्मल लाइनर ले लिया था. एंड हाँ, तो ये 2-3 मैंने ग्लव्स लिए थे जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेदर में मैंने यूज़ किए थे, जो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए. और उसके साथ साथ आप बैंडानास 4-5-6 कैरी कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी होती है, आपको बैंडनस चाहिए, बिकॉज आपको टाइम नहीं मिलेगा बैंडनस धोने के लिए. सो कीप 2-3-4 पेयर्स ऑफ बैंडनस, इट विल बी यू नो परफेक्ट फॉर द एंटायर राइड. सनग्लास 1-2 कैरी कर लेना, यूवी पोलराइज. लद्दाख का जो सनलाइट होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, तो कैरी गुड प्रॉपर सनग्लासेस. इवन दो यू नीड इट इन दी स्नो, अगर आप अप्रैल मई के महीने में जाते हो, देन वहाँ पे फ्रेश स्नो रहेगा, उसके ऊपर जब सनलाइट आता है तो इट बिकम्स वेरी ब्राइट. तो आप प्लीज़ कैरी करना. नाइट विजन ग्लास कैरी करना अगर आप रात को चला सकते हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर रात को चलाने के लिए, बट अगर आपको ऐसा सिचुएशन आ जाता है आप रात को चला रहे हो एंड आप जैसे हाई भी मार रहा है, तो कैरी ए नाइट विजन ग्लास, विच विल बी वेरी हेल्पफुल. मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं राइड कर रहा था मेरे पास राइडिंग पैंट्स नहीं थे, तो मैंने जीन्स पे ही राइड अपना किया. तो मैंने थोड़ा सा बैगी टाइप का जीन्स खरीद लिया था, 2 अलग से रखा था, जो मैं सिर्फ राइड के लिए यूज़ कर रहा था. तो वो आप कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप राइडिंग पैंट्स भी खरीद सकते हो राइनॉक्स के, या कोई भी ब्रांड के जो आपको सूट करता है आप वो ले सकते हो. और
मैंने नी गार्ड जो लिया था वो था मोटोटेक का, जो मैंने 7,000 पे किया था। बहुत ही अच्छा नी गार्ड है वो, एक्चुअली फुल लेंथ है। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी ले सकते हो, शॉर्ट लेंथ के नी गार्ड्स भी ले सकते हो। नी गार्ड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप राइड कर रहे हो, बिकॉज जब आप क्रैश करते हो अनफॉर्चुनेटली तो आपका एल्बो नी इज लाइक समथिंग विच गेट्स इम्पैक्टेड रियली बैड। जितने भी गेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज करो, जितने भी गेयर्स जो आप पहनोगे राइड के समय, मेक श्योर दे आर गुड क्वालिटी एंड यू इन्वेस्ट देयर। ठीक है, सो टॉपिक थ्री है बाइक एक्सेसरीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इक्वली एज लाइक बाइकिंग गेयर्स। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है सैडल बैग। मेरे पास राइनोक्स का नोमैड 2.1 था जो दो साइड से हैंग करता है, तो वो आप ले सकते हो। उसका मैंने पे किया था 5,000 अप्रोक्सीमेटली। एंड बहुत सारे बायोटेरा वगैरह भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं अभी फिलहाल मार्केट में जो आपके अच्छे अच्छे सैडल बैग्स बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बाइक का सीट कैसा है, आपकी बाइक की शेप कैसी है, उस हिसाब से आप अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के सैडल बैग्स ले सकते हो। सेकंड चीज आती है टैंक बैग। टैंक बैग भी जो मैंने यूज किया था वो राइनॉक्स का था, राइनॉक्स सक्शन वाला टैंक बैग था जो ऑलमोस्ट 35 लीटर्स का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बहुत एसेंशियल है जब आप राइड कर रहे हो, बिकॉज आपके जितने भी एक्सेसरीज है, जो मेन एक्सेसरीज वो आपने पास सामने रख सकते हो, जो आपको फ्रीक्वेंट यूज में आता है, जैसे वॉलेट्स हो गया, फोन हो गया एंड अदर स्टाफ, जैसे कैमराज वगैरह हो गए, तो यू कैन कीप इट देयर। डॉक्यूमेंट्स यू यू कैन कीप इट देयर। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप बाइक एक्सेसरीज में ले सकते हो, जैसे फॉग लाइट्स। फॉग लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड क्वालिटी फॉग लाइट्स। क्लच केबल आप कैरी कर लेना एंड एक्सलेटर केबल कैरी कर लेना, चेन ल्यूब क्लीनर कैरी कर लेना, स्पार्क प्लग एक ले लेना अगर आपको जरूरत है, तो पंक्चर किट लेना बहुत जरूरी है। एंड मेक श्योर दैट यू हैव USB चार्जिंग पॉइंट विथ दी मोबाइल होल्डर, सो दैट आपको ईजी हो GPS के साथ नेविगेट करने के लिए। टायर इन्फ्लेटर भी बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर दैट यू हैव वन टायर इन्फ्लेटर। मैं जो बाइक यूज कर रहा था, मेरे बाइक ट्यूबलेस था, तो आई डिंट हैड एनी प्रॉब्लम एंड पूरे जर्नी में एक बार भी पंक्चर नहीं हुआ, टच वुड। अगर आप चाह रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू मेक ट्यूबलेस बाइक को। अगर आपके पास ट्यूबलेस बाइक नहीं है, ट्यूबलेस होगा तो बहुत अच्छा है। अगर आपका बाइक साइड का पोर्शन अगर बहुत ही नैरो है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैरियर भी डलवा लेना, कि अगर आपके बाइक में कैरियर होता है तो अगर हैंगिंग सैडल बैग्स रहता है तो इट्स बिकम्स वेरी स्टेबल व्हेन यू हैव अ सैडल स्टैंड और कैरियर। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो सैडल बैग सीधा टायर के अंदर जाता है, उसके वजह से आपका सैडल बैग फट सकता है। अगर आपके पास सिर्फ ऑन टॉप सैडल बैग है तो आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको हैंग नहीं करना पड़ता है। एंड बंजी कॉर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बैग सैडल बैग के ऊपर भी बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जिसको आप कॉर्ड कर सकते हो, पानी के बॉटल वगैरह, तो बंजी कॉर्ड ले लेना। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप टारपोलिन साथ में रखना, बिकॉज आपको पता नहीं रहेगा कि कब कहाँ पे कितनी जोर से बारिश आने वाली रहेगी। सो टारपोलिन रखने से क्या रहेगा कि आपका बैग पूरा सिक्योर हो जाएगा और पानी कहीं से भी एंटर नहीं करेगा। आपके बाइक के हिसाब से आप इंजन ऑयल देख लेना, कौन सा इंजन ऑयल सही रहता है, बिकॉज इंजन ऑयल आपको कैरी करना बहुत जरूरी है। दिल्ली तक आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इंजन ऑयल आपको कहीं भी कोई सा क्वालिटी का मिल जाएगा, बट आप एक बार दिल्ली से आगे जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा ब्रांड मिलना। अगर आप कोई ब्रांड के साथ पर्टिकुलर हो तो आप मेक श्योर करना कि आप कैरी कर लो 2 लीटर कम से कम, सो दैट आई यू कैन यू नो यूज इट ऑन द वे। ऑल्सो मैंने अपने बाइक पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करवाया था, जो मैंने विंडशील्ड डाली थी, तो विंडशील्ड मेरे बाइक पे बहुत जरूरी था क्योंकि मेरा बाइक नेकेड बाइक है एंड सारा जो विंड रहता है वो चेस्ट पे हिट करता है, तो मैंने विंडशील्ड डलवा लिया। तो विंडशील्ड में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, मैंने FZ का विंडशील्ड लेकर उसको मॉडिफाई करके उसको जैसे भी फिक्स करवाया था मेरे बाइक पे, और बहुत हेल्पफुल था मुझे। उसके वजह से फटीग नहीं हुई जब मैं हाई स्पीड में क्रूज कर रहा था हाई थ्रू आउट। तो अब चलते हैं फोर्थ टॉपिक की ओर, और फोर्थ टॉपिक है रूट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली साउथ इंडिया से। बहुत क्वेश्चंस आए थे मुझे कि कौन सा रूट लेना है और क्या क्या रास्ता सही रहेगा, कौन सा रास्ता सेफ रहेगा। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कौन सा रूट लिया था। जो मैंने रूट लिया था वो रूट लिया था बैंगलोर से हैदराबाद, देन सागर, देन झांसी, नागपुर, आगरा, दिल्ली, एंड देन वहां से फिर मैं चंडीगढ़ होते हुए, श्रीनगर होते हुए, कारगिल, लामायुरु ले गया था।
वापस आने के समय मैं मनाली होके आया था, तो मनाली से मैं फिर अमृतसर गया, अमृतसर से फिर दिल्ली आया, फिर दिल्ली से वापस सेम रूट लेके ही मैं बैंगलोर आया। तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि मैं जब दिल्ली से बैंगलोर और बैंगलोर से दिल्ली कर रहा था तो उस समय मैं सिर्फ सेम रूट को ही फॉलो किया था, मेरे पास ऑप्शन था बट मैंने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक सर्कल ले सकते हो। तो ये सर्कल कैसा रहेगा मैं बताता हूँ। अगर आप जो रूट मैंने फॉलो किया था बैंगलोर से हैदराबाद एंड नागपुर होते हुए दिल्ली, वो कर सकते हो, और आने के समय आप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होके फिर आप कर्नाटका एंटर कर सकते हो, वाइस वर्सा है, आपको जिस तरह से पसंद है। तो इससे क्या होगा कि आपको बोर नहीं होगा वापस आने के समय, आपको नया रूट मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको साउथ इंडिया से ट्रिप करना है तो मेक अ सर्कल फ्रॉम दिल्ली, तो आपको अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलेगा। सो जब आप इंडिया के किसी भी सिटी से जब दिल्ली पहुंचते हो तो आपके पास फिर से दो ऑप्शन खुल जाते हैं लद्दाख जाने के लिए। एंड मैंने जो अपने लिए रूट चूज किया था वो श्रीनगर कश्मीर होके, एंड ट्रस्ट मी कश्मीर का जो रास्ता है ना, इट्स सो अमेजिंग, सो फैसिनेटिंग। आई एम श्योर मेरे वीडियो ने जस्टिस नहीं किया होगा, बिकॉज आप जब वहाँ पे राइड करोगे, जो अपने आंखों से देखोगे वहाँ का नज़ारे, आई एम श्योर यू गोना गो क्रेजी अबाउट इट। एंड देन आने के समय आप मनाली होके आ सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो प्लीज डू सो। कभी कभी क्या होता है कि श्रीनगर के हालात खराब रहते हैं एंड देन रास्ते बंद रहते हैं, उस समय आप मनाली होके जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपके प्लान में रास्ता खुला है श्रीनगर का तो मेक श्योर दैट यू नो यू चूज श्रीनगर, बाद में आप मुझे जाके थैंक यू बोलोगे, ट्रस्ट मी। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मनाली होके जा सकते हो। बस मनाली में ये प्रॉब्लम है कि वेन यू गो फ्रॉम मनाली आपको एक दिन एक्स्ट्रा हॉल्ट करना पड़ता है टू मेक द परमिट, बिकॉज मनाली से आप जब लेह की तरफ जाते हो तो परमिट चाहिए होता है एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड। वही अगर आप श्रीनगर से जाते हो तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ परमिट अंटिल यू रीच लेह। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रूट चूज करते हो, बट अगर आप मुझे पूछोगे, मेरा सजेशन लोगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि सर्किट करने के लिए फ्रॉम श्रीनगर। इफ यू वांट टू फॉलो द एग्जैक्ट रूट व्हिच आई फॉलोड, दिस पर्टिकुलर वन व्हिच हैज गॉट ऑल द आइटिनरी एंड होटल डिटेल्स हियर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पिन कर सकते हो और मैं इसकी अच्छी क्वालिटी वाली स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी चलते हैं फिफ्थ टॉपिक की ओर, और फिफ्थ टॉपिक है सीजन, कौन से सीजन में जाना सही रहेगा। तो जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं जुलाई 1 को मैं बैंगलोर से निकला था, तो वो एक्चुअली एंड सीजन रहता है लद्दाख का और उस समय काफ़ी बारिश भी रहती है। तो लकीली जब मैं लद्दाख में था, लद्दाख रीजन में था, तो बारिश नहीं हुई और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, टच उड एंड। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जुलाई एंड अगस्त इज द मंथ वेयर यू हैव लॉट ऑफ रेनफॉल इन इन ले एंड लद्दाख रीजन। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपको स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप मई अप्रैल एंड मई जून आप ट्राई कर सकते हो, उस समय बहुत स्नो मिलेगा। एंड उसके वजह से एक और फायदा ये हो जाता है कि वाटर क्रॉसिंग जो रहता है वो बहुत कम रहता है, बिकॉज उस समय स्नो बहुत ही ज़्यादा रहता है और मेल्ट होना कम चालू रहता है। आपको अगर इंजॉय करना है तो आई थिंक मई जून इज द बेस्ट मंथ। अगर आपको अप्रैल में जाना है तो वो भी जा सकते हो, पर अप्रैल में वेदर बहुत ठंडा रहता है, ज्यादा बर्फ मिलेगी आपको। आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि अप्रैल मंथ में रोड खुला नहीं रहता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, तो उस समय थोड़ा रिस्क हो जाता है। कभी कभी रोड नहीं खुलने के कारण आपको वेट करना पड़ता है, तो उसके वजह से अगर आप प्लान करके निकल रहे हो इंडिया के कहीं से भी तो आपका जो प्लान है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा एंड देन अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। तो टू बी इन अ सेफर साइड आई थिंक मे शुड बी द परफेक्ट मंथ टू स्टार्ट। अगर मे भी आप जाते हो तो बर्फ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बारी है सिक्स्थ टॉपिक की और जो है वो है क्लोथिंग। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि क्या लेके जाऊँ, कितना लेके जाऊँ, एंड जब समझ में नहीं आता तो सारा लेके जाना पड़ता है, उसमें से आधी चीज़ें आपको यूज़ में भी नहीं आती है एंड वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। मैं बताऊँगा कि आपको कैसे लाइट कैरी करना है एंड क्या ज़रूरी है। जितने भी एसेंशियल्स मैंने आपको बताया वो एक्चुअली आपके ऑलमोस्ट हाफ स्पेस ले लेगा, जो एक्सेसरीज मैंने बाइक के बताया, तो वो एक कंपार्टमेंट आप रहने दो उसमें, उसके बाद जो दूसरा कंपार्टमेंट रहता है उसमें आप क्लोथिंग ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको और कम पड़ जाता है तो सीट के ऊपर आप एक्स्ट्रा बैग भी ले सकते हो एंड देन उसको आप बंजी में रैप कर सकते हो एक्स्ट्रा क्लोथिंग के लिए। तो मैं बता देता हूँ, मैंने लिस्ट कर रखा है कि कौन कौन सा क्लोथिंग आपको लेना चाहिए एंड एंड एक्स्ट्रा मत लेना कुछ भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जैकेट, एक आपको विंटर जैकेट होना
रखना बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास राइडिंग जैकेट रहेगा तो वो आपको राइड में हेल्प करेगा, और जो आपके पास एक्स्ट्रा जैकेट रहेगा वो आप जब आप वहाँ पे रहते हो, उस जगह को एक्सप्लोर करते हो, तो आप वो पहन सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2 या 3 जीन्स कैरी कर सकते हो आपके साथ, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है पूरे राइड में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप राइड कर रहे होते हो तो एक दो जगह ज़्यादा हॉल्ट कर देते हो, तो वहाँ पे अगर आप हॉल्ट कर रहे हो एक से, जैसे दिल्ली हो गया एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली में बाइक सर्विस करने, तो एक्स्ट्रा डे हॉल्ट हो जाता है, तो दिल्ली में आप वॉश कर सकते हो एंड देन अगेन यू कैन कैरी इट अलॉन्ग विथ यू। अब आई बात राइडिंग करने के समय आप क्या पहने, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 या 3 ड्राई फिट टी शर्ट ले लें, क्योंकि ड्राई फिट टी शर्ट क्या होता है कि बहुत कंफर्टेबल रहता है, जब आप राइड कर रहे होते हो स्वेट होता है तो फटाफट ऑब्जर्व होकर ड्राई हो जाता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको वॉश करने में बहुत सही रहता है, क्योंकि जब भी आप वॉश करो 2-3 घंटे में सूख जाता है एंड स्पेस भी बहुत कम लेता है। साथ में आप एक थर्मोकॉट का पेयर ले सकते हो, बिकॉज क्या होता है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल कर रहे होते हो तो थर्मोकॉट आप अंदर से डाल सकते हो पैंट के अंदर एंड जैकेट के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आप वार्म रहते हो। ऑल्सो जब आप कहीं पे हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे आप टेंट वगैरह में रहते हो तो कॉटसोल भी बहुत हेल्पफुल रहता है रात को सोने के लिए, इट विल यू नो कीप यू वार्म। और उसके बाद आप 3-4 टी शर्ट ले सकते हो, फुल स्लीव हाफ स्लीव आपके यू नो यूसेज के ऊपर कैसा रहेगा। एंड जब आप कहीं पे भी हॉल्ट करते हो, उस जगह को एक्सप्लोर करते हो, तो एक्स्ट्रा कपड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो राइडिंग जो कर रहे हो वो तो पहन के आप नहीं निकल सकते हो, तो वो आपको अलग करके रखना है। साथ में आप नाइट वेयर्स ले सकते हो, बिकॉज जब आप हाईवेज में ट्रैवल कर रहे होते हो एंड वहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है, जब आप लद्दाख रीजन में नहीं रहते हो तो फिर उस समय शॉर्ट्स वगैरह 2-3 यू नो स्लीवलेस टी शर्ट्स रख लेना, जिसकी वजह से आपको नाइट वेयर का काम निकल जाएगा। और मेक श्योर करना कि आप जब पैकिंग कर रहे हो तो सॉक्स एंड अंडरवेयर बहुत ज़्यादा लेना, 2-3 एक्स्ट्रा ही रख लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना राइड पे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वॉश करने के लिए एंड देन अगेन इसको ड्राई करने के लिए, तो 6-7 पेयर्स अपने सॉक्स के एंड अंडरवेयर के ले लेना, सो दैट यू नो यू हैव एक्स्ट्रा विथ यू जब भी आपको जरूरत पड़े। तो साथ में आप विंटर कैप ले सकते हो, मॉफलर ले सकते हो एंड हैट या कैप ले सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप अपने बैग में रख लेना। इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, अगर आपके पास फिर भी स्पेस है थोड़ा बहुत, तो आपके हिसाब से आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कि क्या आपको किस वेदर में ज्यादा रहना चाहिए यू नो कपड़े, उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हो। तो चलते हैं 7th टॉपिक की, और 7th टॉपिक है वो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप इंडिया से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास जो भी नेटवर्क रहता है वो आपके साथ कंटिन्यूसली काम करेगा। एंड मेरे पास जियो था, तो दिल्ली चंडीगढ़ पंजाब एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। जब मैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर हिट किया तो मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था, इनफैक्ट मेरा भाई का एंड उसके फ्रेंड का भी नेटवर्क सारा खत्म हो गया था, वी कुडंट यूज़ आ फोन आफ्टर दैट, GPS भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। एक ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास पोस्टपेड एयरटेल का सिम कार्ड है तो आप वो कैरी कर सकते हो। वो सिम कार्ड एक्चुअली लद्दाख में एंड जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी लोकेशन में काम करता है। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आप एटलीस्ट कनेक्टेड रहोगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो जब हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर हिट किया एंड देन वी फाउंड दैट कि हमारा नेटवर्क पूरा खत्म हो रखा है, देन हम लोगों ने सोचा कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज हमें कॉल करना भी बहुत ज़रूरी था और GPS यूज़ भी करना था हमें ऑन द वे। तो हम लोगों ने ये किया कि जो आप भी कर सकते हो कि आप वहाँ पे जब भी आप जम्मू एंड कश्मीर से जाते हो और वहाँ पे आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आप वहाँ पे किसी भी शॉप से आप सिम कार्ड प्रीपेड खरीद सकते हो आपके लोकल डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड जो हमने किया तो उसके वजह से क्या हो गया कि हमें फिर से GPS यूज़ करने का ऑप्शन आ गया एंड देन वी हैड एटलीस्ट 1 सिम टू यू नो कॉल आर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती थी। तो ऐसे भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड नहीं है और आप लेकर नहीं जाना चाहते हो पोस्टपेड सिम कार्ड, देन आप जम्मू एंड कश्मीर में आप कहीं पे भी आप लोकल सिम कार्ड ले सकते हो, विच वी डिड। सो लेट्स मूव ऑन टू द 8th टॉपिक विच इज सेफ्टी। और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब राइड करते हो, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग एट नाइट। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रात को बाइक ना चलाओ, अगर चलाते भी हो तो 8 बजे तक यू मेक श्योर दैट कि आप रात को 8 बजे तक आप होटल पहुंच जाओ एंड डोंट एक्सटेंड इफ़ यू आर राइडिंग अलोन। अगर आप ग्रुप में है तो 1-2 घंटे ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट रात को राइड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और एक पॉइंट जो मैंने अपने राइड पे एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आप केयर्स के साथ लगेज के साथ ट्रैवल करते हो सोलो, और कोई पेट्रोल पंप में आप जाके
पेट्रोल डलवाते हो और या आप किसी ढाबे पे जाके खाना खाते हो, तो यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ क्राउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उन लोग को बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि आप क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड एंड वगैरह वगैरह. तो आप मेक श्योर करना कि आप बहुत ही समझदारी से उनको हैंडल करना, उनके क्वेश्चन को हैंडल करना, सो दैट यू नो कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नो बी यू नो काम एंड स्माइल टू देम एंड जस्ट टेल देम यू नो कि आप ट्रैवल कर रहे हो एंड ऑल. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो यू टेक केयर ऑल दोज पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं जब लद्दाख जा रहा था बैंगलोर से, तो इट हैपेंड यू नो एवरी टाइम वेर एवर आई हैव स्टॉप्ड. ऑल्सो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अकेले ट्रैवल करते हो तो मेक श्योर करना कि आप अपने लगेज का ध्यान दो, ठीक है. जब आप किसी ढाबे पे रुकते हो या आपको नेचर्स कॉल आ जाता है, तो मेक श्योर करना कि ऐसे जगह पे आप रुको जहाँ पे आपकी लगेज जो है वो आपके आंखों के सामने रहे. एंड और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके, जैसे वॉलेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फ़ोन हो गया, वो आपके साथ ही कैरी करें. जब आप अंदर में कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या कहीं पे आपको वॉशरूम यूज़ करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ ही कैरी करें, आप उसको बाइक पे ना छोड़ें. सो लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ टॉपिक. एंड नाइन्थ टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे इस टॉपिक के बारे में. और इस टॉपिक का नाम है एक्सपेंस. तो मैं बताने वाला हूँ कि एक्सपेंस कैसे और क्या हो सकता है इस ट्रिप में. तो पहला एक्सपेंसेस जो रहता है वो सबसे यू नो कॉमन रहता है, जो है पेट्रोल बाइक का. तो बाइक का पेट्रोल डिपेंड करता है यू नो बाइक के ऊपर में आप कौन सा बाइक राइड कर रहे हो. मैं जैसे मैं पल्सर 200 NS यूज़ कर रहा था, तो मुझे 30-35 का माइलेज मिल रहा था, तो जिसके वजह से मैंने 17,500 का पेट्रोल यूज़ किया है. तो उसके हिसाब से आप कैस कर सकते हो कि आपकी बाइक की माइलेज कितनी है, और उस हिसाब से पेट्रोल आपको लगेगा. अगर आपकी बाइक की माइलेज कम है तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपकी बाइक की माइलेज ज़्यादा है तो आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस कम रहेगा. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट खाना. तो खाना ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह खाना खाना पसंद करते हो, फैंसी खाना पसंद करना चाहते हो या आपको नॉर्मल खाना चलेगा. तो मेरा क्या था कि मेरा डेली का बजट 500 रुपये था खाने का, और 500 रुपये पूरे के पूरे खर्च नहीं होते थे. सो आई यूज़ टू हैव वेरी लाइट फूड एंड मोस्टली मैं जूस एंड पानी एंड अदर लिक्विड स्टफ में मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था. तो हाइड्रेट अपने आप को बहुत करता था, तो फिर उसके वजह से मैंने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं किए खाने के मामले में. और जब मैं लद्दाख पहुँचा तो वहाँ का भी खाना इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगा, बिकॉज मैगी एंड ब्रेड ऑमलेट आपको 50-60 रुपये मिल जाते थे, एंड दाल चावल अगर आपको खाना है तो 100-120 की थाली मिल जाती थी. एंड कुछ कुछ जगह में टेंट जहाँ पे मैं सारशू वगैरह रुका था, तो वहाँ पे आपको 70-80 रुपये में भी दाल चावल खाने को मिल जाएगा. तो आई डोंट थिंक कि खाने में ज़्यादा खर्च होते. तो ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर कि आपको क्या खाना है. अगर आपको नॉनवेज खाना है, आपको अगर थोड़ा फैंसी खाना, तो उसमें आई एम श्योर पैसे ज़्यादा खर्च होंगे. पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप राइड कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत नॉनवेज अवॉइड करो. जहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक दिन हॉल्ट कर रहे हो वहाँ पे आप नॉनवेज खा लो, सो दैट यू नो नेक्स्ट डे आपके पास टाइम रहता है उसको डाइजेस्ट करने का. बट आप जब ऑन द गो हो, जब बाइक चला रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू हैव नॉन वेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब आ जाती है बात होटल्स की. तो होटल्स मैंने यहाँ से जाने के समय 2 होटल्स बुक किया था, तिल सागर. उसके बाद मैंने ऑन द गो होटल्स बुक किया. होटल्स में भी मैंने ज़्यादा खर्च नहीं किए, 1000 रुपीज़ मैं अकेला खर्च कर रहा था जब तक मैं दिल्ली पहुंचा. दिल्ली के बाद भी जब भी मैं होटल लिया हूँ तो वो 1500-1000 के अंदर ही लिया हूँ. एंड उस समय मैं मेरे साथ मेरा भाई एंड उसका फ्रेंड था, तो उसके वजह से हम लोगों ने बहुत कम पैसे खर्च किए होटल्स में, बिकॉज हम लोग स्प्लिट कर लेते. तो मोस्टली हम लोग 300-500 मैक्सिमम पर हेड खर्च करते थे. एंड जब मैं ले पहुंचा तो वहाँ पे मुझे बहुत कम में होटल मिल गया था. और जिस होटल में मैं रहा था ले में, उसका नाम पॉपुलर होटल है, जो हम लोगों ने 1000 रुपीज़ पे किया था 3 जने के लिए. तो आप डिवाइड कर सकते हो कि पर हेड कितना पड़ेगा. तो होटल्स आपके ऊपर है. और एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप चला रहे हो बाइक तो आप एडवांस में होटल बुक मत कर लेना 2-3 दिन पहले से. क्या होता है कि आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर आ जाता है कि आपको उस लोकेशन में पहुँचना है. अगर आप उस दिन स्लो जा रहे हो, अगर आपको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो जाता है कि आपको उस जगह पहुँचना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा खर्च कर दिया होटल में. तो आप ऐसा मत करना. आपको क्या करना है, व्हेन यू आर राइडिंग, आप जब दोपहर में लंच करते हो और 3-4 बजे शाम को आप रुको, एंड देन आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से आइडिया कर लो कि आप कहाँ तक पहुँचने वाले हो, और उस जगह की आप होटल बुक कर सकते हो. तो आपको इजी रहेगा और आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा. ऑल्सो जब मैं उंदर में था वहाँ पे मैं टेंट में रहा, एंड देन पेंगोंग में मैंने टेंट में रहा, एंड
सारचू में भी मैं टेंट में रहा हूँ और टेंट भी बहुत सस्ते में आ जाता है, 1000 रुपये 3 जने के लिए आते हैं इंक्लूडिंग फूड, मैक्सिमम आपको 1200 या 1500 देने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं एंड उसमें खाना इंक्लूडेड रहता है, तो वहाँ पे भी मुझे लगा कि ज़्यादा महंगा नहीं है स्टे। अब आती है बात मिसलिनियस एक्सपेंसेस की, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर आप राइड कर रहे हो, अगर रास्ते में कुछ बाइक में प्रॉब्लम आ गया या आपको कुछ खरीदना है, अगर आपको ले में शॉपिंग करना है, सोविनियर्स लेना है, तो वो सारे खर्चे अलग हो गए, तो उसके लिए आप एक अलग सा बजट बना लेना कि आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करना है। आप टाइट बजट में रहोगे दैट इज़ फाइन, बट थोड़ा पैसे आप अलग रखना। मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक 5 से 10 हज़ार रुपये आप अलग से रखो एज अ इमरजेंसी मनी, सो दैट अगर आप कहीं पे आपको स्टक हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, देन यू कैन यूज़ दैट मनी। क्योंकि जब आप बजट बना के निकलते हो, तो एग्जाम्पल अभी मेरा बजट 20,000 का है, तो अगर मैं 20,000 लेके जब निकलता हूँ और उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो फिर से इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। और ले में ज़्यादा ATMs है नहीं, और कभी कभी ऐसे जगह पे आप स्टक हो जाओगे जहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट्स बेटर टू कैरी सम एक्स्ट्रा मनी कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो यू कैन यूज इट, इफ नॉट देन ये आपकी पैसे हैं, आप कुछ भी करें इनसे। सो गाइज, मेरा जो ओवरऑल एक्सपेंसेस था वो 65,000 था, फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख, लद्दाख टू बैंगलोर, एंड इस बीच में मैं अमृतसर गया था एंड मनाली में 2 एक्स्ट्रा दिन रुका था मैं, एंड 3 दिन मैं दिल्ली में रुका था, तो उसके वजह से 65,000 खर्च हो गए थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बैंगलोर से राइड कर रहे हो तो 60,000 इज़ मस्ट इंक्लूडिंग दी इमरजेंसी मनी, तो उससे कम में अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा एंड हो सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि 60,000 रुपये अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे हो तो, और बाकी सिटीज़ का भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा, आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि कितना होना चाहिए, बट 50,000 60,000 इज़ लाइक अ नॉर्मल एक्सपेंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। The 10th टॉपिक इज अदर्स, और यू कैन कॉल इट एज मिसलिनियस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के चीज़ें हैं जो मैंने एक ही जगह पर डाल दिया है। अगर आप अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी मस्ट, अगर आप इतनी खूबसूरत जगह में जा रहे हैं तो आपको इस जगह को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो जर्नी रिकॉर्ड की थी वो मेरे एक्शन कैमरा से की थी, और मेरा जो एक्शन कैमरा था उसका नाम था गिटअप गिट 2। इफ़ नॉट देन यू कैन हैव योर DSLR, और इफ़ यू डोंट हैव DSLR यू कैन हैव योर फोन का कैमरा, उससे अगर आप अच्छे अच्छे फोटोज निकाल सकते हो तो देन इट्स वेरी नाइस, तो आप वो कर सकते हो। और आपको ट्राईपॉड चाहिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आपको आपकी खुद की अच्छी अच्छी पिक्चर्स चाहिए तो ट्राईपॉड में आप अपने फोन को या कैमराज को स्टैंड करके आप अपने फोटोज ले सकते हो। ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू टू कैरी 1 or 2 पावर बैंक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब लद्दाख के कुछ कुछ आइसोलेटेड जगह पे रहते हो तो वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहता है, तो अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको आपके गैजेट्स को चार्ज करना है तो पावर बैंक इज़ अ मस्ट हैव। तो 20,000 mAh का अगर आपके पास पावर बैंक है तो एक एनफ है, अगर नहीं तो आप 2 10 10 हज़ार के पावर बैंक्स ले सकते हो। और पावर बैंक्स के साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं तो आपको एक्सटेंशन कॉर्ड कैरी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके पास अगर किसी भी होटल में या किसी टेंट में अगर आपके पास एक ही सॉकेट है तो आपके एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ आप अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करके उसको चार्ज कर सकते, जो मैंने किया था। अलॉन्ग विथ फर्स्ट एड किट आई वुड सजेस्ट यू टू कैरी जनरल मेडिसिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल मेडिसिन में क्या आ जाता है, जैसे आपको फ्लू का मेडिसिन आ गया, फीवर का हो गया, एंड स्टमक अपसेट हो गया, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डिपेंड्स वट यू नीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वट यू कैन डू इज़ यू कैन कॉन्टैक्ट एनी जनरल फिजिशियन एंड उसको आप बताओ कि आप ऐसे राइट पे जा रहे हो एंड यू नीड ऑल दोज मेडिसिन विच इज़ वेरी नेसेसरी, तो आप उनसे प्रेस्क्राइब करके आप सारे मेडिसिन कैरी कर सकते हो। एंड ऑल्सो लेट द डॉक्टर नो कि जहाँ आप जा रहे हो वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड वाला जगह है, तो यू हैव टू कैरी डायामॉक्स ऑल्सो, विच हेल्प्स यू टू टू गेट इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, जिससे आपको एम्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस जिसे कहते हैं, तो मेक श्योर टू कैरी दैट, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप खारदुंगला वगैरह पे आप जब जाते हो, तो इट्स वेरी हेल्पफुल, उससे आपको ऑक्सीजन का जो कंटेन है वो बॉडी में बैलेंस रहेगा। ऑल्सो कैरी सनस्क्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लद्दाख का जो सन रहता है वो बहुत ही हार्ड रहता है, हार्श रहता है, उसका जो अल्ट्रा वायलेट है बहुत ही
फटाफट आपके बॉडी को टैन कर देता है। तो आप जब सनस्क्रीन खरीद रहे हो तो मेक श्योर करना कि जो SPF वो 50 अबव होना चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू कैरी जेरिकन। जो जेरिकन रहेगा आप दिल्ली में करोल बाग में कहीं से भी खरीद सकते हो। अगर आपको कैरियर वगैरह डलवाना है तो आप दिल्ली में करोल बाग में आप जब वहाँ पे डलवाओगे तो वहाँ पे आपको जेरिकन भी मिल जाएगी। जेरिकन बहुत ज़रूरी है। जब आप श्रीनगर से जा रहे हो तो यू डोंट नीड जेरिकन, बट आप जब मनाली से जा रहे हो तो आपको जेरिकन चाहिए 5-5 लीटर के दो, बिकॉज वहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आई थिंक जिसपा से ले तक के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो उसके बीच में आप कुछ सारे जो पेट्रोल हैं वो जेरिकन में ही कैरी करने पड़ेंगे, बिकॉज सारचू वगैरह में पेट्रोल पंप है नहीं। और जो पेट्रोल मिलते हैं वहाँ पे आई थिंक वो सारे कॉम्प्रोमाइज रहते हैं थोड़े बहुत, तो आई वुड सजेस्ट कि वो सारे पेट्रोल ना यूज़ करें आप। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट टू डू इन ले। जब आप ले पहुँचते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्लमटाइज करना अपने आप को। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप जिस दिन ले पहुंचोगे आप नेक्स्ट डे ही आप खारडुंगला जा रहे हो, हाई ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हो, बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बिकॉज आपकी बॉडी को अक्लमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में सस्टेन कर पाओ। आप मैक्सिमम 2 दिन और मिनिमम 1 दिन अक्लमेटाइज करो। ऐसे भी आपको 1 दिन चाहिए होगा टू मेक अ परमिट टू विजिट खारडुंगला एंड वेरियस प्लेसेस इन लद्दाख। तो अक्लमेटाइज होना बॉडी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप अक्लमेटाइज नहीं करते हो और बिना अक्लमेटाइज करके आप अगर हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हो तो आपको एम्स होना बहुत ही कॉमन है। आपको ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि आप 1 दिन अपने आप को दो, ले एक्सप्लोर करो। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ले, मार्केट जाओ, आसपास के मॉनेस्ट्री जाओ, शांति स्तूपा जाओ। आई मीन दे आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेज इन ले टू विजिट। ले मार्केट इज लाइक द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन चिल। ऑल्सो वंस यू रीच ले द फर्स्ट थिंग विल कम दैट कि आपको परमिट्स बनानी है आगे जाने के लिए, क्योंकि ले के बाद आप कहीं भी ट्रैवल करते हो अराउंड, तो आपको परमिट्स होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह के परमिट्स आपको लेना है। जब मैं ले से आगे जा रहा था, मैंने कुछ सेलेक्टिव प्लेसेस के मैंने परमिट्स निकाले थे। तो मैंने खारडुंगला पास के परमिट निकाले थे। मैंने वहाँ से फिर नुमरा गया, वहाँ से नुमरा से सियोक होके मैं पेंगोंग लेक गया, पेंगोंग से फिर मैं छांगला होके मैं ले आया। तो फिर तो आपको सारे परमिट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर करना कि आप जहाँ जहाँ पे आप जाओगे वो परमिट में वो सारे जगह के नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करते हो और आप वहाँ के चेक पोस्ट पर पहुँचते हो एंड देन आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आपका उस जगह का नाम नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप जहाँ भी आपको जाना है वो छोटा से छोटा लोकेशन क्यों ना हो उस रूट में आप मेक श्योर करना कि उसके नाम वहाँ पर डाल दो, सो दैट आप सेफर साइड में रहोगे। अभी बात आती है कि आप परमिट बनाओगे कहाँ से। तो परमिट ले में बहुत सारी जगहों में बनती है, DC ऑफिस में बनते हैं, उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे ऑफिसेज हैं जहाँ पे परमिट्स बनता है। तो मैंने जो परमिट्स बनाया था वो मैं ले मार्केट के पास में बनाया था। वहाँ पे बहुत ही कॉमन जगह है और आप को अगर बनाना है तो आप वहाँ पे बना सकते हो। आपको किसी से भी पूछना पड़ेगा ले मार्केट के पास की परमिट कहाँ पे बनता है, तो दे विल गाइड यू। और परमिट जहाँ बनता है उसके पास में एक साइबर कैफे रहता है, तो वहाँ पे आप जाके फॉर्म उनसे ले सकते हो और फॉर्म में आप सारे जगह के नाम मेंशन कर दो एंड देन यू हैव टू गो एंड सबमिट। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू गेट द परमिट डन एंड 500 से 700 रुपये के बीच में खर्चा आ जाता है। जिस प्लेसेस में मैं गया हूँ, मैं जो 700 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ा था एंड 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 आई वाज गुड टू गो। अब आती है बात डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या कैरी करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे बाइक्स के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करने हैं, और हो सके तो आप 1-2 फोटोकॉपीज ले लेना। जो फोटोकॉपीज आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक आप ले ना पहुँचो, फिर भी 1-2 आप कैरी कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस तो हो ही गया आपके साथ। अगर आपके पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, आप कुछ भी उसमें कैरी कर सकते हो। ऑल्सो मेक श्योर कि आपके पास 10-12 कॉपीज के पासपोर्ट फोटोज हैं जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेंगे वेन यू आर इन ले टू मेक द परमिट। एंड या दैट्स इट अबाउट डॉक्यूमेंट्स, एंड उससे ऊपर आपको कुछ कैरी नहीं करना है। सो दैट्स अबाउट इट। मैंने सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर किए जो मैंने मेरे जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किए थे। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी लद्दाख ट्रिप प्लान करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस कर दिया है तो आप कमेंट्स में वो सारे फैक्ट्स को आप मेंशन कर सकते हो। I wish you guys all the very best for your Ladakh ride and मुझे बताना, मुझे टैग करना कि कैसा रहा राइड। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ गो एंड फॉलो।
और आप जब राइड कर रहे होगे तो आपके स्टोरीज एंड फोटोज आप मुझे भी टैग कर सकते हो, तो मैं देखूंगा कि हाँ आपका जर्नी कैसा जा रहा है, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दोज पिक्चर्स. ऑल द बेस्ट गाइज ऑन योर लद्दाख ट्रिप, प्लान वेल एंड मेक श्योर दैट यू आर राइडिंग सेफ. ध्यान रखना अपना और मजे करना. इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो यू विल बी नोटिफाइड एज सून एज आई अपलोड एनी वीडियो. एंड या दैट्स अबाउट इट. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, लव योर सेल्फ एंड कीप मॉपिंग.